सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ ईयर आइन। आज भी मेरे पास काफी सारी अपडेट्स हैं, सो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सो आज की पहली अपडेट के बारे में बात करते हैं, और हम बात करते हैं टोटल गेमिंग के बारे में। सो आपको पता होगा, अज्जू भाई ने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर कहा था कि वो एक नया सेटअप बना रहे हैं जिसकी कीमत 2 से 2.5 करोड़ है। तो वो सेटअप अब रेडी हो चुका है, बट उसकी कीमत 2 से 2.5 करोड़ नहीं, सिर्फ 25 से 30 लाख है। ये सब अज्जू भाई अपने रिसेंट के वीडियो में बताए। भाई अभी टाइम आ चुका है अपने गेमिंग रूम को देखने का, और मैं पहले ही बता दूं, ये कोई 3 करोड़ का गेमिंग सेटअप नहीं है, ना ही 2.5 करोड़ का है। मैं मजे में बोलता हूँ, ऐसे ही कुछ भी बोल दिया, मन में आया बोल दिया ऐसा। तो हाँ, मेरा जो गेमिंग सेटअप ये वाला है, इसका रियल प्राइस मेरे ख्याल से, जहां तक मेरे को लगता है, 25-30 लाख होगा। और जो मैंने सेट पे गेमिंग सेटअप बनाया था वो काफी महंगा था, मतलब वो लिटरली बहुत ज्यादा महंगा था। वैसा मैं बना सकता हूँ अभी घर के अंदर, बट हाँ मैं सोच रहा हूँ बाद में बनाऊंगा। ऑल्सो इस वीडियो में अज्जू भाई रोस्ट कर दिए उन सभी गेमर्स को जो अपने रूम में काफी सारी लाइट्स वगैरह लगाते हैं। आप देखिए वो क्या कहे। देख सकते हो, ये है मेरा गेमिंग सेटअप। हाँ, आपके बाकी जो गेमर है, छपरी गेमर की तरह मैंने सेटअप नहीं किया है कि कहीं पे भी मतलब एलईडी स्ट्रिप लगा दी, वो लाइटिंग बहुत ज्यादा, वो ना फिर गेमिंग रूम कम, मेरे को ना चांदनी बार ज्यादा लगता है। मैंने बार नहीं बनाया है, मैंने गेमिंग रूम बनाया है जो कि गेमिंग रूम की तरह लगेगा। सो अब बात करते हैं एमसी स्टैन के बारे में। आपको पता होगा इन दोनों झलक दिखलाजा का फिनाले चल रहा है, जिसमें बिग बॉस 16 के विनर एमसी स्टैन के साथ ही कंटेस्टेंट शिव ठाकरे भी हैं। तो उन्हीं के सपोर्ट में एमसी स्टैन अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाए, जिसमें वो शिव ठाकरे की वोटिंग अपील की वीडियो को शेयर किए। ऑल्सो लिखे वोट फॉर माई ब्रो ऑन सोनी लिव ऐप। झलक दिखलाजा की बात हो रही है, तो बात करते हैं अनदर कंटेस्टेंट मनीषा रानी की। जैसा कि शिव ठाकरे को उनके बिग बॉस के साथी एमसी स्टैन ने सपोर्ट किया, लेकिन मनीषा रानी को उनके किसी भी बिग बॉस साथी ने सपोर्ट नहीं किया, चाहे वो एलविस यादव हो या फिर फुकरा इंसान। सो इसी पर बिग बॉस आज रिएक्ट किए। वो कहे, नो वन फ्रॉम बिग बॉस ओटीटी इज सपोर्टिंग टू मनीषा रानी, नॉट इवन हर ब्रदर अभिषेक मल्हान और फ्रेंड्स एलविस यादव एंड आशिका भाटिया। तो गाइस, के एलविस को मनीषा को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं, मुझे कमेंट में बताओ। सो बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में, और हम बात करते हैं हनी सिंह के बारे में। क्या हनी सिंह लव डोज का पार्ट 2 लाने वाले हैं? रिसेंटली हनी सिंह ने उर्वशी रौतेला के साथ एक रील डाली, जिस पर अभी लगभग 20 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, एंड इसके कैप्शन में लिखा, सी इज रेडी फॉर सेकंड डोज, आर यू रेडी उर्वशी रौतेला दिस 15th मार्च। इस वीडियो को उर्वशी रौतेला अपनी स्टोरी पर शेयर की एंड लिखी, लव डोज 2.0 आर यू रेडी। इसके बाद हनी सिंह के फैन पेजेस से काफी सारे एडिट्स बनने लगे, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो अब हम बात करते हैं मुनावर फारूकी के बारे में। रिसेंटली मुनावर का मुंबई में एक मीटअप हुआ, जिसमें लगभग 1 लाख लोग आए, जिसमें प्रिंस नरूला भी थे। तो मुनावर इस मीटअप में उन लोगों पर रिएक्ट किए जो उन्हें हेट करते हैं। नफरत ना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान चीज अगर कोई है तो किसी से नफरत करना है। मुश्किल काम है किसी से प्यार करना। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, सच में प्यार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल काम करेंगे कि नहीं करेंगे। सो अब बात करते हैं आज की लास्ट अपडेट के बारे में, और हम बात करते हैं एलविस यादव के बारे में। सो आज एलविस यादव काफी गुस्सा दिखे न्यूज रिपोर्टर्स पर, वो कितना गुस्सा थे आप खुद ही देखिए। जो चिल्लाते हैं ना सिस्टम, 5 से 6 दिन जब नशा रहता है तो आप सिस्टम ही चिल्लाएंगे। इसके थूतड़ी पे एक रैप्टा मार दिया ना मुंह देगा। जेन्युइन बता रहा हूँ, जेन्युइन वो मत समझना इसका, ये बेशक मीडिया वाला होगा, पर इसके ऊपर मैंने डिफेमेशन वगैरह, पता टाइम लगता है इन चीजों में, अगर मैं इनके पीछे लग जाऊँ ना, इनके घर वाले बिक जाए भगवान की कसम, कच्चे बनियान बिक जाए इनके घर वालों के, अगर मैं अपनी वाली पे आ जाऊँ कि डिफेमेशन डाल दूँ। साढ़े ना कोई अभी प्रूव हुआ है कुछ भी। सुनो, ये इन्होंने वो बना दिया कि एल्विस तो है मुजरिम है, एल्विस वो भी सबसे बड़ा। लेकिन जब पुष्टि हो गई है, पुष्टि हो भी गई, इसकी आवाज इतनी पैनी है, कटारिया से भी ज्यादा, मां कसम इसके गले में हाथ देकर आवाज बाहर निकाल दूं पूरी, दिल तो ऐसा करा है मेरा। सो ऑलराइट गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।